इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे। मैं कल की तफसीर में भी यही कहा, एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी, आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है ऐ लोगो, इस तरह जी कर फायदा भी क्या, ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था, तू क्या कह रहा था उस जमाने, तुम क्या कहोगे, ऐ अल्लाह के नबी मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल, ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे, बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह, रसूल की बारगाह में बहाना करोगे।